हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर दाल की तिसौरी, या बहुत लोग इसे तिलौरी भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ग्लास से 2 ग्लास मसूर का दाल लिया है, इसे इस भगोने में ऐड कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, अच्छे से इसे भिगोएंगे हम। तो ये देखिए, पानी आप अच्छे से डाल लीजिए ताकि जो हमारा मसूर का दाल है अच्छे से भीग जाए। तो इसे हम ढक कर रात भर के लिए फूलने देंगे। आप चाहें तो इसे 5 से 7 घंटे भी फुला कर रख सकते हैं। तो हम इसे रात भर ढक देते हैं, सुबह ये अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद हम इसे पीस कर और इसके तिसौरी बनाएंगे। तो चलिए इसे ढक देते हैं और इसे रात भर फूलने देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो मसूर दाल को हमने रात भर भिगाया था उसे मैंने अच्छे से 1-2 पानी से धो लिया है। ये ज़रूरी है कि आप उसे रात भर जिस पानी में भिगाए उस पानी को हटा दें और साफ़ पानी से 1-2 बार उसे धो लें। और धोकर मैंने एक थाली में रख लिया है। और अब हमें क्या करना है, देखिए हल्का सा मैंने दाल को मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। इतना ही दाल ऐड करें जितना में मिक्सी में अच्छे से पिस जाए। और हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि ये जो हमारा दाल है वो अच्छे से पिस जाए। इसका हमें थिक पेस्ट बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दाल आपको इस तरीके से पीसना है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ चम्मच से। तो आपको इस कंसिस्टेंसी का दाल पीस कर तैयार करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दाल पीसते वक्त कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और इसका थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी प्रकार से हम सारे दाल को मिक्सी में ऐड कर और इसका पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दाल को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। आइए मैं आपको अब इसके मसाले बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मसाले में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा मैंने लिया है, 1/2 चम्मच के करीब गोलकी लिया है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ देखिए ये है तीसी, तो इसमें हम 4 से 5 चम्मच के करीब तीसी हमने लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत जगह इसे अलसी के बीज भी बोलते हैं। तो ये देखिए, अगर ये आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और ना हो तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ इसमें हम 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो ये जीरा और गोलकी को हम पेस्ट बना लेंगे, जीरा और गोलकी का। आप इसे सूखा भी दरदरा कूट कर डाल सकते हैं, या आप इसे पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। तो चलिए जीरा और गोलकी का मैं पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद सारे मसाले अपने ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गोलकी और जीरा को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आप इसके जगह पे सूखा भी पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश पीस कर डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें जो हमने तीसी लिया था ये 1/2 कटोरी या 4 से 5 बड़े चम्मच होंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने तीसी को भी हल्का धो दिया है क्योंकि आजकल काफ़ी गंदगी आ जा रही है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। और अब हमें क्या करना है, लगातार चलाते हुए इसे 10 मिनट के करीब फेंट लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो जो आपका तिलौरी है या तिसौरी है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट फेंट लिया है। फेंटना बहुत ज़रूरी है,
आप 10 से 15 मिनट इसे लगातार ऐसे चलाते हुए ज़रूर फेंटें। अगर आप अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो आपका जो तिसौरी है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बहुत अच्छे से इसे फेंटना है, और देख सकते हैं मैंने इसे 10 से 15 मिनट फेंटा है और ये फूल कर डबल भी हो चुका है, देखने में आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसके तिसौरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तिसौरी बनाने के लिए आपको कोई भी प्लास्टिक का शीट ले लेना है। तो मैंने एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है, अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस पे एक से दो बूंद तेल आप लगाकर अच्छे से इस प्लास्टिक को ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तिसौरी बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बैटर को मैंने एक दूध के पैकेट में भर लिया है, और इसकी टिप हम कट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी टिप कट करके इससे आसानी से हमारा तिसौरी बन जाता है। आप इसे हाथ से भी डाल सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको डालकर दिखा दूँगी। और देखिए इस तरह से इसे हम पैकेट में भर के भी बना सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का पैकेट ले सकते हैं, जैसे कि नमक का या तेल का, मतलब कोई भी ऐसा पैकेट हो, या आप कोन भी बना सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे हम तिसौरी अपने डाल देंगे, और इसी प्रकार से हम सारा बना लेंगे। मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखा दूँगी। तो फटाफट से इसे डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तिसौरी सूख कर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 2 से 3 दिन अच्छे से धूप में सुखा लिया था, और अभी अप्रैल के महीने में ये सब बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है और लू भी चलता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तिसौरी और पापड़, ये सब लू में ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए हमारी तिसौरी 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख कर तैयार हो गई हैं। इसे आप आराम से स्टोर कर 2-3 साल रख सकते हैं, आराम से आप इसे छान कर खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे कोई भी टमाटर वाली सब्ज़ी में खाएंगे तो ये उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कि ये बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। आलू और टमाटर की जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे कढ़ी और चावल के साथ खाएंगे तो उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्राई करके आप इसे खाएंगे तो। और आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप खाइए, बनाइए। तो चलिए अब मैं इसे आपको फ्राई कर दिखा देती हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें हम अपने तिसौरी को फ्राई करेंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से जो मीडियम हॉट ऑयल हो जाता है तब आपको इसे छानना है, ठंडे तेल में आपको इसे नहीं डालना है। देखिए मैंने इसे डाल दिया है, और लगातार इसे फ्लेम को आपको हाई ही रखना है। और इसे आप चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे जल्दी से छान कर, और ये देखिए अब ये लाल हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे फ्राई कर निकाल लिया है। इसको हमारी तिसौरी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। एक मैं आपको हाथ से तोड़ कर भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इसे बनाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।